कमरे में थे। तो चलिए आगे चलते हैं हम और उस लेडीज सभी लेडीज डांसिंग को जो है वहाँ पर बुलाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि वो आती है या नहीं, हमें दिखती है या नहीं। कहते हैं कि अगर याद करते हो तो वो आती है और वो डांस करते हुए आती है, ऐसा ऐसा हमने सुना है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल व्लॉग सराफत पठान। गाइज आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं एक रोड पर खड़ा हूँ जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही कम मिस ना के बराबर है। आप दिखा सकते हो शाहरुख भाई। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा आज यहाँ पर कि मेरे साथ मैं और शाहरुख की ओनली और पूरा घना यहाँ पर अंधेरा है। रीजन यहाँ आने का एक ही है कि आपने जैसे YouTube पर वीडियो देखे काफ़ी, और मैंने एक इंस्टा पर भी वीडियो देखे, सर्बियन लेडीज़ डांसिंग मीन्स के एक कोई औरत है जो कि डांस करते हुए लोगों को दिख रही है, और इसीलिए मैंने शाहरुख ये जगह चुनी। मैंने कहा शाहरुख ऐसी जगह पर चलना जहाँ पर ना ही इतना ट्रैफिक हो और एकदम सुनसान जगह होनी चाहिए। तो ये रोड हमें बिल्कुल वैसा मिला। तो थोड़ा सा हम आगे जाते हैं और ये चैलेंज करते हैं कि वो सर्बियन लेडीज डांसिंग है उनको हम बुलाने की कोशिश करेंगे, अगर वो सामने आती है या कुछ ऐसा मसला रियल में है कि हाँ कि उनको मतलब याद करने से वो आती है या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तो हमें और आपको आगे पता चल जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है और ओनली अफवाह है तो भी हमें पता चल जाएगा कि लोग उसका खाली हवा उड़ा रहे, क्योंकि इंस्टा पर भी मैंने एक देखा किसी को चाकू मारे, ऐसा कुछ वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर फॉलो उसने ही भेजा कि सराफत भाई ये सच है या झूठ है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चले सर को हमने जगह डिसीजन लिया। आप देख सकते हो कि आज मेरे पास लाइट भी नहीं है, फ़ोन के टॉर्च से मैं वीडियो बनाऊँ। रीज़न यही है कि इस अगर मैं बड़ी टॉर्च लेके आता तो शायद क्या पता वो लेडीज़ जो भी है जिसको याद करने से वो आती है, वो क्या पता आती या नहीं आती या वो हमें दिखती या नहीं दिखती। इसलिए वन एंड ओनली मैं आपको दिखाना चाहूँगा। शाहरुख जो मोबाइल से शूट हो रहा है वो मुझे मोबाइल दे देखो, इस मोबाइल से शूट कर रहे हो आप? हाँ। तो ये देखिए आप ओनली फॉर एक लाइट पर है, मोबाइल की लाइट पर शूट कर रहे हैं ताकि हम आगे जाकर आपको दिखा सके कि रियल में वो लेडीज डांसिंग यहाँ पर हमें दिखती है या नहीं। तो शाहरुख एक मिनट मोबाइल पकड़ना। तो मैं और शाहरुख ओनली आए हैं स्कूटी लेकर, आगे हम जाएंगे और कोशिश करेंगे उस आत्मा को बुलाने की, उस आत्मा को हम याद करेंगे, देखते कि वो आती है या नहीं। और कहते हैं सुना ये भी है कि वो डांसिंग करते हुए आती है अगर हम उसे याद करते हैं तो। अब देखते हैं कितना सच है कितना झूठ है। तो इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया है शाहरुख और मैंने कि हम ऐसे एकदम सुनसान रोड पर चलेंगे। तो शाहरुख पहले बता दे कि कितना अंधेरा उस साइड से, आप देख सकते हो इस साइड भी पूरा अंधेरा है और इस साइड भी पूरा अंधेरा है, और ओनली हम लाइट लेकर आए हैं मोबाइल की लाइट पर ये वीडियो जो है शूट हो रहा है। तो चलिए फिर शाहरुख चलते स्कूटी स्टार्ट करते, चलिए लेट्स गो। सो गाइज हम निकल चुके हैं इस अंधेरे बड़े रोड पर, एक देख सकते हो एकदम सुनसान रोड है, पूरा चारों तरफ अंधेरा है और हम और आगे इस अंधेरे में जाएंगे। देख सकते हो कि मोबाइल की फ्लैश ऑनली ऑन है, ये शाहरुख भाई देखो ये मोबाइल की फ्लैश ऑन है और एक खाली लाइट है, ये स्कूटी की लाइट है वो भी इतनी नहीं दिख रही है कैमरे में। तो चलिए आगे चलते हैं हम और उस लेडीज़ सर्बियन लेडीज़ डांसिंग को जो है वहाँ पर बुलाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि वो आती है या नहीं, हमें दिखती है या नहीं। कहते हैं कि अगर याद करते तो वो आती है और वो डांस करते हुए आती है, ऐसा ऐसा हमने सुना है, लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ है ये। अब थोड़ा सा और शाहरुख भाई आगे चलो अंधेरे में ताकि हम उनको बुलाने की कोशिश करेंगे, ताकि देखते हैं कि क्या होता है रियल में यार, ऐसा कुछ सीन है या ओनली फॉर ये एक हवा बना के रखा है। चलिए दोस्तों जो भी होगा आपके सामने ही होगा। शाहरुख देख सकते हो आप पूरा एकदम सुनसान रोड, अभी तक आप देख रहे हो कुछ यहाँ पर ही रोकना आगे थोड़ा सा, ये देख सकते हो आप यहाँ पे रखो गाड़ी की जो लाइट है वो भी ऑन ही रखो क्योंकि अंधेरा काफ़ी है इसलिए। हाँ यहाँ पे रुको, सामने कौन बैठा कहाँ पे, ये तो कोई कपड़ा पड़ा है यहाँ पर। लो मुझे दे दीजिए,
सो गाइज अब जो है हम उस जगह पर आ गए। आप देख सकते हो काफ़ी अंधेरा है और मेरे जो है रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, ये देख सकते हो आप। लेकिन चैलेंज अगर लिया है हमारे जो सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमें चैलेंज दिया है कि सराफत भाई ऐसी ऐसी बातें, तो चलिए अब जो है उस सर्बियन डांसिंग लेडी को बुलाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। कुत्ता रो रहा है। सौरभ भाई आ गया, थोड़ा अंदर चलते हैं। सर्बियन डांसिंग लेडी जिसके बारे में हमने सुन रखा, अगर वो हमें सुन पा रही है तो आप क्या हमें अपने होने का दे सकते हो? सर्ब आगे क्या है, सर्बियन डांसिंग लेडी अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो क्या आप हमें होने का अपना प्रमाण दे सकते हो? क्या आप हमारे सामने आ सकते हो? सर्बियन डांसिंग लेडीज़ मैं उनके बारे में दोस्तों इतना नहीं जानता, ये लेडीज़ कौन थी, क्या थी, कोई डांसर थी या क्या, ये मैं नहीं जानता। मैं ओनली यूट्यूब पर टाइटल पढ़ा और एक दो वीडियो देखे जिसमें वो लेडीज़ जो है डांस करते हुए दिखती है याद करने से, और एक जो मेरा दोस्त है उसने भी मुझे इंस्टा पे भेजा तब मैं, लेकिन मुझे उस बारे में कुछ नॉलेज नहीं है कि वो लड़की कौन थी, क्या थी, किस लिए उसके साथ ऐसा हुआ। सर्बियन डांसिंग लेडीज अगर यहाँ पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सके तो क्या आप हमारे सामने आ सकते हो? अजीब लग रहा है यार। देख सकते हो दोस्तों पूरा एकदम अंधेरा है हमारे सामने। तभी चंपल की आवाज़ आई, घुंघरू की आवाज़ आ रही, सारे पीछा पीछा घुंघरू, आप घुंघरू की आवाज़ आ रही दोस्तों, घुंघरू की आवाज़ आ रही यहाँ पर। शायद वो लेडीज हमें दिख नहीं रही लेकिन घुंघरू की आवाज़ जरूर आ रही है आसपास से। हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, देखो दोस्तों रोंगटे खड़े हो चुके। हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे अगर आप हमारे सामने आ सकते हो। सर पीछे 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 कोई तो आ रहा है सर। वही बता रहा, चंपल की आवाज़ आ रही है ना, घुंघरू 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 की आवाज़ आ रही है। बोर्ड के पास सर कहाँ पे बोर्ड के पास कौन था? वहाँ पे है ना चंपल की आवाज़ आई इस साइड से। एक्चुअली हमारे पास लाइट नहीं है, उसका रीज़न यही है कि हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा अंधेरा होगा उतने ज़्यादा में ऐसी जो एक्टिविटीज है वो दिखती है। शाहरुख वो कौन खड़ा दिखा? कहाँ पर? वो सामने बोर्ड, सामने बोर्ड दिख रहा है, आँखें दिख रही है। चलिए 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 एक मिनट चालू कर गाड़ी चल, बैठो किस ने लेना। लेकिन शाहरुख को कोई दूसरी आत्मा थी मुझे ऐसा लग रहा है। वो जो दोस्तों जो लड़की, अरे शाहरुख मेरे पीछे कौन भाग रहा है? कोई पीछे भाग रहा है, बंद कर। गाड़ी कैसे बंद हुई? चल कर। टिक मारो। पकड़ मोबाइल। टिक मारो। अरे यार बैठ। अरे वापस कैसे बंद हो गई? अरे भाई फटाफट सराबस। टिक मार। तेरी बोला भाई, मत चलो यार तेरी। यार भाई सच में यार मैंने मना किया था अकेला मत चलो। तो दोस्तों पता नहीं वो कौन था लेकिन हाँ हमें घुंघरू की आवाज़ जरूर आई और यहाँ से एक ऐसा लगा कि कोई पीछे भाग रहा है और हमारी गाड़ी जो है ऑटोमेटिक बंद हो गई। और मुझे, अरे भाई मेरे पैर के लगी, रुको गाड़ी रोको इधर आगे लाइट में रोको, मेरे पैर के जोरदार लगी। मुझे नहीं लगता कि वो कोई सर्बियन डांसिंग, रोको भाई, रोको इधर, रोको। जो हमने सोचा सर वो कुछ नहीं था भाई, रोको इधर यार, पैर के लगी जोरदार। मेंढक है भाई,
बैठा हूँ सर। जोरदार लगी पैर के मेरे। अरे यार कहाँ पे लगी? इधर पैर पे। मेरी बात सुन, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। तो दोस्तों हमें वहाँ पर घुंघरू की आवाज़ आई और ऐसा लगा कि कोई लेडीज आ रही है और सामने कोई भागते हुए भी शाहरुख नजर आया मुझे। चल यहाँ से जल्दी निकलते, यहाँ से आवाज़ें भी आ रही काफ़ी। ये देख, देख आवाज़ देख। हाँ चलो, ऐसी आवाज़ कोई मेंढक की थोड़ी होती है। हाँ चलो चलो पकड़ भाई, हम पूरी टीम के साथ आए गए, फालतू यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलो 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 वापिस लगी। चलो चलो चलो। अरे यार सो गाइस फाइनली अब जो है हम इस गार्डन में आ चुके हैं और हमने जैसे वो सर्बियन लेडी थी या पता नहीं कोई दूसरी आत्मा थी या क्या था, लेकिन हाँ वहां पर हमने जैसे सर्बियन लेडी का नाम लिया वहां पर हमें घुंघरू की आवाज आई। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि चप्पल की आवाज आ रही है, जैसे कोई लेडीज आती है वैसे ही कुछ आवाज आई। और उसके बाद ऐसा लगा मुझे जैसे मैं बाइक पर बैठा था तो कोई जैसे भाग रहा है पीछे, ठीक है, और हल्का सा एक शैडो बना ब्लैक कलर का, लेकिन अब पता नहीं वो लेडीज थी क्या थी। और ऐसे में हम वहां से निकल गए क्योंकि गाइस हम दो बंदे थे, हमारे पास स्कूटी थी, ना लाइट था ना कुछ, ना था कुछ नहीं थी, लेकिन हमें वहां पर रुकना हमारे लिए जान से ज्यादा नहीं था, तो इसलिए हम जब वहां से निकल गए। और जैसे हम वहां से निकले तो वहां पर जो है आपने देखा कि हमारी जो स्कूटी वो भी बंद होगी, शाहरुख के भी पैर के थोड़ी सी चोट आई है। तो गाइज अब ये तो हमें थोड़ा हो गया कि हाँ उस लेडी को जैसे ही याद करते तो लेडी का जो है थोड़ा बहुत तो मीन्स उसके वहाँ होने का जरूर एहसास होता है। अब क्या पता, मैं कंफर्म आपको नहीं बता रहा हूँ कि वो वही लेडी थी या कोई दूसरी आत्मा थी। तो वो हम आपको नहीं बता सकते प्रूफ के साथ, इसलिए गाइज मैंने और शाहरुख ने डिसाइड किया है कि आज हम बाइक लेके गए, कल उसी जगह पर हम कार लेकर जाएंगे और कुछ जैसे हमारी टीम है उनको साथ में लेकर जाएंगे, ताकि सेफ्टी पहले, सेफ्टी के साथ जाएंगे और इंशाल्लाह जो है उस जो भी है वो सर्बियन लेडी है या कोई भी है उसका पता लगाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिर अगर हमें लगा तो हम बाबा जी से भी कांटेक्ट करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर उस लेडीज़ का क्या रहस्य। अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है दोस्तों कि सर्बियन लेडीज़ कौन है क्या है, सिर्फ मैंने यूट्यूब पर वीडियो और इंस्टा पर मेरे एक फ्रेंड है जो मेरा फॉलोवर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सराफत भाई ये क्या चीज़ है। तो मैं और आपने देखा कि आज हम किसी काम से थे लेकिन फिर भी उन भाई का मैसेज आया तो मैंने सोचा सराफत चल चल कर देखते। तो अब जो है मैं इस रिलेटेड पूरा गूगल पर सर्च करूंगा सर्बियन लेडी वगैरह क्या है जो भी है वो देख कर, और कल हम जाएंगे कार लेके पूरी टीम के साथ और देखते हैं कि उस जो भी वो लेडी से वो सामने आती है या नहीं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच ऑल, वी लव यू।